मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 11 नेचुरल डिजास्टर्स। इसका हिंदी का अर्थ है प्राकृतिक विपदा। डिजास्टर इज अ सडन हैजार्ड और क्लामिटी विच कैन कॉज ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। जो प्राकृतिक विपदा है वो अचानक से आने वाली और जोखिम भरी आपदा है जो आती है तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है और बहुत विनाश लेकर के आती है। इट कैन रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अ साइक्लोन, उससे क्या होता है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का और लाइफ का जो है लोग जीवन का, जिंदगियों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि साइक्लोन कैन किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड क्रॉप्स। साइक्लोन से क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक साथ लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो है एक साथ मर जाते हैं और बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, इमारतों का नुकसान होता है और उसके साथ फसलों का भी नुकसान होता है। और सुनामी स्ट्राइक कैन किल थाउजेंड्स एंड अपरूट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। और सुनामी से क्या होता है, सुनामी से भी बहुत सारे लोग, थाउजेंड हजारों लोग मर जाते हैं और बिल्डिंग्स जो होती हैं वो जड़ से उखड़ जाती हैं, बिल्कुल उखड़ जाती हैं बिल्डिंग और उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, ढांचे जो हैं वो सारी के सारी उखड़ जाती हैं। सच डिजास्टर्स कैन डिसरप्ट द डे टू डे लाइफ कंप्लीटली। ये सारे जो डिजास्टर्स हैं, ये जो विपदाएं हैं, ये हमारी जिंदगी, जो दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसको क्या करते हैं, बाधित करती हैं कंप्लीटली, जो हमारी लाइफ है उसको पूरी तरह से बाधित कर देते हैं। नॉर्मल फूड एंड वाटर सप्लाइज गेट सीरियसली अफेक्टेड इन द अफेक्टेड एरियाज। उसके कारण जो फूड है, खाना और वाटर सप्लाई जो है वो बहुत सीरियसली इफेक्ट हो जाती है जहाँ पे ये सारी डिजास्टर हुआ हुआ होता है उस जगह पर। द शेल्टर्स गेट अपरूटेड ब्रिंगिंग अटर मिजरी टू द पीपल। अब उससे क्या होता है, पूर्ण रूप से उनकी जिंदगी जो है वो कष्ट में, लोगों की जो लोग शेल्टर्स में आ जाते हैं, जिन लोगों के यहाँ जो ये विपदा आती है वो उनकी जिंदगी जो है वो पूर्ण रूप से कष्टदायक हो जाती है। इट ब्रिंग्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ टू अ कंप्लीट हॉल्ट। और उनकी जो लाइफ में जो होता है, उनके जो नॉर्मल जो काम होते हैं उसमें एक उनकी जिंदगियों में एक ठहराव सा आ जाता है। व्हाई डू नेचुरल डिजास्टर्स अकर। नेचुरल डिजास्टर्स क्यों आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स अकर्स बिकॉज ऑफ नेचुरल अकरनेस एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये नेचुरल अकरनेस के कारण आते हैं और उस जो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनके जैसे कि साइक्लोन्स हैं, टोरेंडोज हैं, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स विच आर नोन टू हिट द मदर अर्थ सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग वंस लाइफ पीरियड। एक बार तो वो ज़रूर से ज़रूर जो है डिजास्टर अर्थ के ऊपर आता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, उसके क्या क्या फॉर्म है नेचुरल डिजास्टर्स के, अब हम ये पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स स्ट्राइक अस इन वेरियस फॉर्म्स, दे आर गिवन एज फॉलोज। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स एंड स्ट्रॉम सर्ज, फ्लड्स, ड्राउट, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। सिक्स टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज अर्थक्वेक, सबसे पहले जो है वो है अर्थक्वेक। द सडन शेकिंग एंड द वाइब्रेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ
आर कॉल्ड एन अर्थ अर्थक्वेक द वाइब्रेशन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कैन डिस्ट्रॉय सिटीज. इससे क्या होता है, इससे सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिटीज पूरी तरह से सिटीज नष्ट हो जाती हैं. एंड कंट्रीज एंड किल थाउजेंड ऑफ पीपल इज एन इंस्टेंट. इंस्टेंट मतलब उसी वक्त थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो उससे प्रभावित होते हैं. देश शेक बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स एंड अर्थ वर्टिकली. और क्या क्या हो जाता है, उससे बिल्डिंग्स और जो अर्थ है वो और उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं. अर्थक्वेक यूजुअली लास्ट फोर लेस देन अ मिनट बट ट्रीमोर्स कैन बी फेल्ट ओवर लार्ज एरियाज. अर्थक्वेक सिर्फ क्या होता है, थोड़ी सी टाइम का होता है पर उसके जो झटके होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में जो है महसूस किए जाते हैं. एपिक सेंटर इज द प्लेस डायरेक्टली अबाउट द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ट्रेवल्स इन वेव्स एंड स्प्रेड्स. जहाँ पे एपिक सेंटर जो होता है, जो ऊपरी केंद्र होता है जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा जहाँ पर आता है. मैक्सिमम वाइब्रेशंस टेक प्लेस एट द एपिक सेंटर. ज़्यादातर जो वाइब्रेशन होती है, जो एपिक सेंटर होता है, जो केंद्र बिंदु जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, वहाँ पर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. एंड मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और ज़्यादातर नुकसान भी जो संपत्ति का होता है वो वहीं होता है. एंड लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का भी, लोगों की जिंदगियों का भी नुकसान जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, एपिक सेंटर जो होता है उसका. ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लेस क्लोज टू द एपिक सेंटर. और जो एपिक सेंटर के आसपास की जो क्लोज होते हैं जगह, पास में होते हैं, उस पर भी उसका असर ज़्यादा पड़ता है. सिस्मोग्राफ, दिस इज द डिवाइस सिस्मोग्राफ. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. इसकी तीव्रता नापने के लिए ये जो है डिवाइस है कि कितना कितना अर्थक्वेक आया है, उसकी तीव्रता इस डिवाइस से मापी जाती है. द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक आर मेजर्ड बाय रिचर स्केल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 8. 1 to 8 है, इट मेजर 1 to 8 तक मेजर किया जाता है. मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइनर अर्थक्वेक एंड मेजर अर्थक्वेक. इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर माइनर अर्थक्वेक है और इसमें मेजर अर्थक्वेक. इस 1 to 8 के बीच में माइनर है और मेजर अर्थक्वेक है. थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस.